देखिए बेटा, एन आइडियल गैस हैज मोलर हीट कैपेसिटी सीवी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। द गैस अंडरगोज द प्रोसेस। अब ये पॉलीट्रॉपिक नहीं है, हमें नहीं दिख रहा ना, और टीवी गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट है। टीवी की पावर गामा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट आ रहा है, नहीं आ रहा। ठीक है, तो आप वो एन निकाल ही नहीं पाएंगे जो डायरेक्ट, और देख भी रहे हैं आपको जो ऑप्शन दिख रहे हैं सारे, उसमें अल्फा वी वी का फंक्शन है, तो वेरिएबल है, इसका मतलब ये पॉलीट्रॉपिक नहीं है। आपको मोलर हीट कैपेसिटी के लिए वही प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी दोबारा से। फर्स्ट लॉ से जो आसे आपने निकाली थी, ठीक है, तो फर्स्ट लॉ से आपने कैसे निकाली थी, डी क्यू इक्वल टू, ऐसे ही लिखते हैं आप, कल आपको ध्यान है थोड़ा भी, तो डी क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डीवी, जो भी लिखे हैं आप, डी या डेल्टा, इसको आप लिखते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ मोलर स्पेसिफिक हीट एन सी डी टी। इसको आप लिखते हैं पी डी वी प्लस इसको एन सी वी डी टी, ऐसे लिखा था। अब अपन कोई डी वी या डी टी की टर्म में इसको लाने की कोशिश करेंगे जिससे ये कट के आ जाए। ठीक है, तो इसके लिए अपन को डी टी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए दे रखा है, ठीक है ना, इक्वेशन वन हो गया। तो ये आपका टी नॉट वन माइनस एल्फा इंटू वी है, आप वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर देंगे इसका, डी टी बाई डी वी इक्वल टू टी नॉट माइनस एल्फा आ जाएगा। देखो, डी टी बाई डी वी इक्वल टू टी नॉट माइनस एल्फा आ जाएगा, ठीक है ना। रेट ऑफ, अब यहाँ से आप रिप्लेस कर दीजिए, डी वी जो है आपका किसकी टर्म में आ जाएगा, डी टी अपॉन टी नॉट माइनस एल्फा की टर्म में आ जाएगा। डी वी इक्वल टू डी टी अपॉन टी नॉट माइनस एल्फा की टर्म में आ जाएगा। इस डी वी को उठा के यहाँ पे रख देंगे, ठीक है ना, इस डी वी को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, बिल्कुल टी नॉट माइनस एल्फा आ रहा है, ये आपका पी डी वी है। हाँ चलो, तो रख दो इसको, तो आपका ये नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, नाउ फ्रॉम इक्वेशन वन, तो आप देख रहे हो डी टी गायब हो जाएगा बस, एन सी डी टी नंबर ऑफ मोल्स पी डी टी पी नॉट माइनस एल्फा प्लस एन सी वी इंटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ से आपका वही प्रोसेस फॉलो करा है, मैंने कोई डिफरेंट काम नहीं किया। सी वी आपको दे रखा था, तो अब आप इसको एन से डिवाइड कर देंगे, बिल्कुल दिख रहा है आपको, सी इक्वल टू सी वी माइनस पी अपॉन एन एल्फा टी नॉट आ रहा है। चेक करिए, बट आपको उस फॉर्म में लाना है, ठीक है, तो उस फॉर्म में लाने के लिए पी को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा और क्या। ठीक है, तो पी कितना आएगा आपका, एन आर टी अपॉन वी आएगा। अब ये टी वी हटा दो जो कि दे रखा है आपको, टी इक्वल टू टी नॉट माइनस एल्फा वी, तो एन आर अपॉन वी, इसकी जगह भी आपने रख दिया टी नॉट वन माइनस एल्फा इंटू, अब पूरा वी की फॉर्म में है, तो इसको उठा के यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ठीक है ना, क्योंकि आपको आंसर देखो अल्फा वी की फॉर्म में ही लाना है। तो ये कितना आ जाएगा, सी इक्वल टू सी वी माइनस एन एल्फा टी नॉट इंटू एन आर अपॉन वी टी नॉट वन माइनस एल्फा इंटू वी। टी नॉट कट जाएगा, एन कट जाएगा, तो ये आ गया आपका सी वी माइनस आर अपॉन एल्फा इंटू वी वन माइनस एल्फा इंटू वी, यही आ गया। भाई फिर से वही प्रोसेस की मैंने, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, जैसे वहां निकाली थी बिल्कुल उसी मेथड से होता है। ये आपकी पॉलीट्रॉपिक नहीं है, ध्यान दें, नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ द प्रोसेस डायरेक्ट फार्मूले से मत निकालिएगा, नॉन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। यहाँ तक किसी को भी दिक्कत तो आप मुझे बताइए।